इस वीडियो में हम देखेंगे कि एल्बम सेंस 2021 और फोटो सेंस, जो कि प्रैक्टिकली एक ही सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप इमेज कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे एक इमेज ओपन करते हैं। आप यहां पे डबल क्लिक करके भी इमेज ओपन कर सकते हैं और फाइल में जाके ओपन फाइल करके भी इमेज ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास इमेज एडिटिंग के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की इमेजेस आती है। तो सबसे पहले हम सिंगल कलर बैकग्राउंड वाली इमेज को किस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहां पे मैं एक इमेज ओपन करता हूं। जनरली मैरिज फंक्शन में देखा जाए तो आजकल लोग सिंगल कलर बैकग्राउंड यानी कि व्हाइट या किसी भी लाइट कलर के बैकग्राउंड में ही फोटोग्राफी करते हैं। तो इस कंडीशन में हमें इमेज कट करना हो तो कितनी आसानी से कर सकते हैं वो हम यहां पे देखते हैं। ये यहां पे हमारा इमेज ओपन हो गया है। अब सबसे पहले टूल बॉक्स में से मैं स्मार्ट कटिंग टूल को क्लिक करता हूं। स्मार्ट कटिंग ये एक सिर्फ टूल नहीं है बट पूरा एक सिस्टम है। जैसे ही हम स्मार्ट कटिंग टूल को क्लिक करते हैं तो यहां पे देखिए राइट हैंड साइड में सारे कटिंग के अलग अलग ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो इरेज, ऑटो इरेजर, मतलब कि गैस क्रोमा की। गैस क्रोमा की क्या करता है, ये खास करके ग्रीन और ब्लू कलर के बैकग्राउंड पे काम करता है, जिसमें कि बैकग्राउंड का कोई भी क्रोमा कलर मतलब कि डार्क कलर जो हो, ग्रीन और ब्लू को क्रोमा कलर कहा जाता है। तो ये क्रोमा कलर हम यहां से इसकी ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करके निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैं राइट हैंड साइड की तरफ जैसे जैसे लेता जाऊंगा तो यहां पे मेरे कलर निकलते जाएंगे। ये मैं लेफ्ट लेता हूं तो यहां पे देखिए हाथ की साइड में कुछ कलर रह जाता है और कुछ कलर निकल जाता है। अगर मैं यहां पे आता हूं तो यहां पे ज्यादातर कलर आ जाता है। ये मैं एक स्टेप अप लेता हूं तो जैसे ही मैं सेकेंड नंबर के स्टेप पे जाता हूं तो मेरा ज्यादातर पार्ट कट हो जाता है, बाकी की चीजें मेरी रह जाती है। इसी चीज को हम यहां पे इनवर्ट ट्रांसपेरेंसी करके भी चेक कर सकते हैं कि कितना पार्ट मेरा रह गया है और कितना पार्ट इमेज एक्सट्रैक्शन में चला गया है। तो यहां से मैं इमेज ट्रांसपेरेंसी करके मतलब कि ट्रांसपेरेंसी को इनवर्ट करके मैं चेक कर लेता हूं। ये देखिए पीछे का पार्ट हमारा ट्रांसपेरेंट मोड में आ गया है। इतना करने के बाद अब इस कटिंग को प्रॉपर कैसे किया जाए, तो ये देखिए यहां पे कुछ पार्ट है जो रह गया है। तो इस पार्ट को निकालने के लिए यहां पे एक्स्ट्रा टूल्स दिए गए हैं। सबसे पहला है बैकग्राउंड इरेजर टूल, जिस पे क्लिक करके हम ब्रश टूल की मदद से भी इसे इरेज कर सकते हैं। और अगर कोई सिंगल कलर ही हो और उसे निकालना हो तो यहां पे देखिए मैजिक इरेजर टूल दिया गया है। इस पे क्लिक करके हम सिंगल कलर आसानी से रिमूव कर सकते हैं। यहां पे हम इसका टोलरेंस बढ़ा दें तो ये जल्दी कलर रिमूव हो सकता है। यहां पे टोलरेंस अभी 2 पे है, मैं इसे 20 पे कर देता हूं तो ये देखिए बहुत आसानी से हमारा कलर रिमूव हो जाता है। इसके बाद यहां पे बीच में देखिए ये कलर रह गया है, ये सिंगल क्लिक में ही हमारा कलर निकल जाता है। तो जरूरत के हिसाब से टोलरेंस अप डाउन करके हम इस पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। ये हमारा कलर रिमूव हो चुका है। अब कलर रिमूव होने के बाद अगर कोई पार्ट हमारा चला गया हो और उसे वापस लेना हो, मतलब कि यहां से निकल गया हो और वापस लेना हो, तो हम इनवर्ट ट्रांसपेरेंसी से पहले जैसे मैंने बताया वैसे चेक कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए बालों की साइड में नीचे के जो एरिया में बैकग्राउंड कलर रह गया है और बाल उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां से मैं लासो टूल लेता हूं। ये मैंने
लासो टूल से इस एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे मुझे तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, रिफाइन एज, डार्क एज और लाइट एज। जहां पे मुझे डार्क कलर रखना है और लाइट रिमूव करना है तो मैं डार्क एज पे क्लिक करूंगा, और जहां पे लाइट रखना हो और डार्क रिमूव करना हो तो मैं लाइट कलर पे क्लिक करूंगा। यहां पे मुझे डार्क कलर मतलब कि ब्लैक कलर रखना है और लाइट कलर निकाल देना है। मैं कंट्रोल डी से सिलेक्शन को थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये मैंने कंट्रोल डी से पहले डी सिलेक्ट किया और फिर से नया सिलेक्शन किया। अब मैं करता हूं डार्क एज, तो ये क्या करेगा, लाइट कलर को रिमूव कर देगा और डार्क कलर को आपके सामने रख देगा। तो ये देखिए हमारे ये जो बालों का जो एरिया है ये प्रॉपरली बाल हमारे पास आ गए हैं। तो इस तरह से स्मार्ट कटिंग की मदद से हम कटिंग कर सकते हैं। यहां पे मैं कटिंग कंप्लीट करता हूं तो ये देखिए ये पूरा कटआउट हमें एज अ सिंगल लेयर अवेलेबल हो गया है। हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इस बैकग्राउंड इस कटआउट को भी हम पीएनजी फॉर्मेट में सेव करके दूसरी किसी जगह पे भी स्टोर कर सकते हैं। अब इस फोटो को मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। अब एक और फोटो ओपन करते हैं। अब मैं कोई भी एक मल्टी कलर बैकग्राउंड वाली फोटो ओपन करता हूं। तो यहां पे हमारे पास ये एक आउटडोर का पोर्ट्रेट है। अब इस फोटो को कट हम किस तरह से करेंगे, तो जनरली किसी भी इमेज को कट करने के लिए सबसे पहले उसको सिलेक्शन करना जरूरी है। फोटोशॉप के अंदर हम लासो टूल की मदद से उसे प्रॉपरली सिलेक्ट करते हैं या क्विक सिलेक्शन की मदद से सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम फिर से स्मार्ट कटिंग में चले जाते हैं। स्मार्ट कटिंग में हमें सिलेक्शन करने की फ्रीडम रहती है, ये सिलेक्शन टूल हमारे एक्टिव है। तो मैं लासो टूल पे क्लिक करता हूं और इस फोटो को रफली सिलेक्ट कर देता हूं। ये मैंने इस फोटो को रफ सिलेक्शन लिया। रफ सिलेक्शन करने के बाद यहां पे ऊपर के साइड मतलब के अपर रिबन एरिया में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब के जब मैं किसी भी इमेज को आउटर साइड से सिलेक्ट करता हूं और उस सिलेक्शन को मुझे रिक्टिफाई करना है मतलब कि प्रॉपर करना है तो मैं इस ऑप्शन का यूज करता हूं। अगर मैंने सिलेक्शन को इनर साइड से मतलब कि ऑब्जेक्ट को इनर साइड से सिलेक्ट किया है और मुझे उसे रिक्टिफाई करना है तो मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट को यूज करता हूं। यहां पे मैंने इस इमेज को आउटर साइड से सिलेक्ट किया है तो मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करता हूं। जैसे ही मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए मुझे एक प्रॉपर सिलेक्शन अवेलेबल हो गया है। अब यहां पे मेरे पास ऑन सिलेक्शन, यहां पे देखिए ऑन सिलेक्शन पे तीन ऑप्शन मुझे मिलते हैं। कट मतलब कि जो सिलेक्टेड पार्ट है वो कट हो जाएगा। दूसरा है इनवर्ट कट मतलब कि जो सिलेक्टेड नहीं है उसके बाहर का जो एरिया है वो कट हो जाएगा। और यहां पे ऐड है मतलब कि जो सिलेक्टेड पार्ट है वो मेरा फिर से ऐड हो जाएगा। अब यहां पे मुझे बाहर का पार्ट कट करना है तो मैं इनवर्ट कट का यूज करता हूं। ये मैंने इनवर्ट कट किया तो ये देखिए मुझे एक प्रॉपर कटिंग मिल गया है। अब मैं इनवर्ट ट्रांसपेरेंसी का यूज करके जो जो पार्ट मेरा रह गया है उसे मैं वापस ले लेता हूं। ये मैंने इनवर्ट ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक किया तो ये देखिए ये गहने का जो पार्ट है ये भी मेरा कटआउट में चला गया है। तो मैं फिर से यहां पे लासो टूल ले लेता हूं। लासो टूल से मैं इसको प्रॉपरली सिलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने सिलेक्शन ले लिया। अब ये मेरा इनवर्ट एरिया है। इनवर्ट एरिया है तो मैं इसे दो तरह से ले सकता हूं, या तो इनवर्ट कंडीशन में मैं इसको कट कर दूं तो मुझे ओरिजिनल पार्ट में मिल जाएगा, अदरवाइज इसे यहां पे मैं ट्रांसपेरेंसी इनवर्ट करके फिर से मैं सिलेक्शन करूं और यहां से ऐड करूं तो भी मुझे मिल जाएगा। अब यहां पे ये दो झुमके जो है वो झुमके भी मेरे कट हो गए हैं तो मैं फिर से इनवर्ट ट्रांसपेरेंसी पे ले लेता हूं। यहां पे देखिए इतने झुमके के एरिया को मैं सिलेक्ट करता हूं।
ये हो गया। अब मैं इन्वर्ट मोड में हूं तो मैं यहां पे इसको कट करता हूं, जैसे ही मैं कट करूंगा तो वो ओरिजिनल फोटो के अंदर ऐड हो जाएगा। ये दूसरे झुमके को भी उसी तरह से मैं कट कर लेता हूं। ये साड़ी का जो ऊपर का थोड़ा जो पोर्शन जो है वो भी मेरा रह गया है। कट। अब मैं फिर से इन्वर्ट ट्रांसपेरेंसी करता हूं तो ये देखिए मुझे प्रॉपर कटआउट मिल गया है। ये पोर्शन जो मेरा ज्यादा आ गया है उसे मुझे रिमूव करना है, तो मैं मैजिक इरेजर ले लेता हूं और इतने कलर को मैं रिमूव कर देता हूं। ये देखिए कलर रिमूव हो गया है। अब ये जो बॉर्डर्स जो है, ये आप बॉर्डर जो देख रहे हैं वो बॉर्डर मेरे खुरदरे हैं, मतलब फोटो का जो कटआउट जो है उसके बॉर्डर्स जो है वो बिल्कुल खुरदरे हैं। तो इन्हें मुझे प्रॉपर करना हो तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए यहां पे मेरे पास तीन ऑप्शन है एजेस के लिए, रिफाइन एज, डार्क एज और लाइट एज। डार्क एज हमने ऑलरेडी पहले देख लिया, अब हम देखते हैं रिफाइन एज। यहां पे मैं फेदर एक का कर देता हूं, स्मूथनेस मेरी ऑलरेडी एक पे अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट में जीरो कर देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट की मदद से क्या होगा कि आपका जो पार्ट अंदर की साइड चला गया उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए ये जो बॉर्डर जो है, जो खुरदरे है वो कैसे प्रॉपर हो जाते हैं। ये मैंने रिफाइन एज किया तो ये मेरे बॉर्डर स्मूथ हो गए। देखिए इमेज की जो एजेस जो है वो मेरी प्रॉपर हो गई है। अब यहां पे ये जो टीके का जो पार्ट है वो भी कट हो गया है तो उसे भी मैं आसानी से वापस ले लेता हूं। ये मैंने सिलेक्शन किया और ऐड कर दिया। ये इतना पोर्शन मुझे निकालना है, ये मैं निकाल देता हूं। तो इस तरह से आप मल्टी कलर बैकग्राउंड वाले फोटोग्राफ को भी आसानी से कटआउट कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग कंप्लीट किया, ये देखिए ये भी कटआउट मेरे पास इंडिविजुअल लेयर में अवेलेबल हो गया है। इसे भी मैं पीएनजी या पीएसडी किसी भी फॉर्मेट में सेव करके दूसरी इमेज में यूज कर सकता हूं। और इसके अंदर बैकग्राउंड अगर मुझे लगाना है तो मैं यहां बैकग्राउंड में जाके कोई भी बैकग्राउंड भी एड कर सकता हूं। ये स्मार्ट कटिंग में बाकी कई सारे टूल्स में बेसिक आपको समझा देता हूं। ये देखिए इन्वर्ट ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको दिखा दिया, ये जो कंट्रोल बार है जिससे आप क्रोमा की मदद से इमेज कटआउट कर सकते हैं, ये सिलेक्टेड पार्ट को कट करने के लिए, ये सिलेक्टेड ना हो मतलब कि इन्वर्ट एरिया को कट करने के लिए, ये सिलेक्टेड एरिया को एड करने के लिए, ये बैकग्राउंड इरेजर है मतलब कि ब्रश टूल की मदद से बैकग्राउंड को कट करने के लिए, ये तीनों इसके लिए, ये जो ब्रश का जो साइज है आप यहां से सेट कर सकते हैं, ब्रश का फेदर आप यहां से सेट कर सकते हैं, और ये जो है मैजिक इरेजर टूल और इन्वर्ट इरेजर टूल, मतलब के जो सिलेक्टेड कलर को आप अगर रिमूव करना चाहते हैं तो उसका टॉलरेंस आप यहां से सेट करके उसको रिमूव कर सकते हैं। रिफाइन एज के सेटिंग यहां पे आपको दिए हुए हैं, यहां से आप एज की फेदर सेट कर सकते हैं, स्मूथनेस सेट कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आप सिलेक्टेड फोटो की जो एजेस जो है उसको इनसाइड ले सकते हैं और एक्सपांड की मदद से आप उस एरिया को एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये पूरा कटिंग का फंडा मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस ट्यूटर को प्रॉपरली चेक करके आप किसी भी तरह के इमेज को फोटो सेंस और एल्बम सेंस के अंदर आसानी से कटआउट कर सकते हैं।